धर्म में है लगा हुआ, एक अधर्म में है गर्क हुआ। बस दोनों में क्या फर्क हुआ, एक स्वर्ग हुआ एक नरक हुआ। एक पुष्प पुजारी ने तोड़ा, चढ़ गया प्रभु के मस्तक पर। निज गंध से सौरभ करता हुआ चढ़ गया धर्म की पुस्तक पर। एक फूल तोड़ लिया कामी लाया, गुथ गया नारी के जूड़े में। निर्गंध हुआ कुचला भी गया, गिर गया प्रातः वो कूड़े में। दोनों में क्या बस फर्क हुआ, एक स्वर्ग हुआ एक नरक हुआ। एक धर्म में लगा हुआ, एक अधर्म में गर्क हुआ। अभी आप लोगों ने सुना था कि गुरुदेव के प्राप्त हो जाने से सभी झगड़े संसार के नष्ट हो गए, कोई किसी प्रकार का झगड़ा बाकी ही नहीं रहता। संसार के दुख और क्लेश यदि सामर्थ्यवान गुरुदेव प्राप्त हो जाए, सामर्थ्यवान कैसे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा सत्य है, अर्थात जो कर दें किए को बिगाड़ दें और बिगड़े को फिर बना दें, सब कुछ सामर्थ्य रखने वाले यदि गुरुदेव प्राप्त हो जाएं भाग्य से, तो फिर कोई भी दुख मनुष्य के सामने नहीं आता है और सभी झगड़े समाप्त हो जाते हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रेम होने पर बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और गुरुदेव की निंदा करने से बहुत बड़ा पाप मिलता है। जिसकी गुरुदेव के चरणों में प्रेम हो उसकी अवश्य वो रक्षा करते हैं, और यदि शक्तिवान गुरुदेव से कोई मंत्र मिला हो तो उस मंत्र के अंदर, श्री महाराज जी कई बार बतलाया करते हैं कि तीन शक्तियां हुआ करती हैं। सबसे पहले सामर्थ्यवान गुरुदेव की शक्ति, यदि हम उसका उस नाम का जाप करेंगे तो गुरुदेव स्वयं देखेंगे, चाहे कहीं भी हो सामने तो देखेंगे ही, किंतु दूर न जाने चाहे कहीं पर भी, हजार मील की दूरी पर हूं वहां से भी अवश्य वो देखते हैं। जब वो देखेंगे तो उनकी कृपा प्राप्त होगी। दूसरी बात, जिस इष्ट का मंत्र वो देंगे, यदि राम का दिया है, राम मंत्र दिया है तो भगवान राम इष्ट होंगे, यदि कृष्ण मंत्र दिया है तो कृष्ण इष्ट होंगे, यदि शिव मंत्र दिया है तो शिव इष्ट होंगे। तो इसलिए जिस इष्ट का मंत्र होगा वो इष्ट भी अवश्य देखेंगे, अवश्य कृपा करेंगे। और तीसरी शक्ति उन सिद्धों की होगी, जो सिद्ध लोग आज जंगल में बैठे हुए हैं, पहाड़ों पर बैठे हुए हैं और इस मंत्र का जाप कर रहे होंगे, उनकी शक्ति वो भी हमारी ओर देखेंगे। तो इसलिए मंत्र का जाप और गुरुदेव के द्वारा लिया हुआ मंत्र का जाप करने से ये तीन शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं।
इसलिए आप लोग मन लगा करके सुनिए। एक अजब गाथा सुनाऊं श्री राम के दरबार की, भक्ति और भगवान की महिमा अनोखे प्यारे की। पूर्णिमा के रोज गुरु पूजा का एक त्योहार था, इसलिए प्रभु राम का ये खास ही दरबार था। देश देशांतर के सब राजे थे बुलवाए हुए, ऋषि मुनि नारद सहित थे ये सभी आए हुए। बड़ी सुंदर चरित्र है, जरा गौर से सुनिए। नाम और नामी का संबंध इकट्ठा होता है, जिसको आप नाम लेकर के बुलाएंगे वो स्वयं दौड़ करके आएगा, क्योंकि उसका नाम है ना वो। तो इसलिए गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का जब जाप करेंगे तो वो दौड़ करके अवश्य कृपा करने आएंगे। जरा सुनिए, भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ था और सभी देश देशांतर से राजे महाराजे सभी एकत्रित हो गए थे। तो क्या हुआ? आत्मिक शक्ति थी वो जो ऋषियों का मान बढ़ा रही, बादशाही दर फकीरों की ठोकर खा रही। मानो साधु शहनशाह राजों का महाराजा है, कि चक्रवर्ती ताज भी जिन चरणों का मोहताज है। ब्रह्म लगा करके सुनेंगे तब चरित्र में आनंद आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये बच्चे पीछे जो बैठे हैं शांतिपूर्वक बैठे रहे। बोलिए सदगुरु देव। सभी राजे महाराजे बैठे हुए थे और भगवान श्री राम विराजमान थे। दरबार लगा हुआ था, एक स्थान अवशेष था। कौन सा था जरा सुनिए मन लगा कर। इतने में एक राजा नाम था जिसका स्वास्तिक, ना वो पूरा आस्तिक था ना वो पूरा नास्तिक। ना वो पूर्ण रूप से आस्तिक था और ना वो पूर्ण रूप से नास्तिक। समान गाड़ी चल रही थी। तो क्या हुआ? जब आया वो दरबार में, जब आया वो दरबार में निराली शान से, तब ऋषियों और मुनियों को देखा ध्यान से। जिस समय राजा स्वास्तिक दरबार में चला रहा था, उसका स्थान अवशेष था, वहां पर कोई बैठा हुआ नहीं था, खाली था। तो खाली स्थान को देखकर चला रहा था, चारों तरफ ऋषि लोग मुनि लोग बैठे हुए हैं, राजे महाराजे बैठे हुए हैं। राजा तो बार बार सब तो लगा ही चमत्कार दिखा दे। तो नारद जी लगे अपना चमत्कार, तो नारद जी लगे अपना चमत्कार। राजा स्वास्तिक ने जिस समय अभिमान भरी चाल से चला रहा था, तो उस समय नारद जी ने सोचा कि चलूं, कोई ना कोई कार्य करना चाहिए। जब तक किसी सभा में कोई कार्य नई बात नहीं हुई तो तब तक क्या सभा लगी और क्या कार्य हुआ। तो नारद जी ने क्या किया, चलू भाई कोई ना कोई चक्र रचूंगा। नारद जी फौरन उठे और कहां पहुंचे, राजा स्वास्तिक के पास पहुंचे। कान में जाकर के धीरे से बोल दिया। क्या कहा? ए राजन, आज एक कार्य करना है। महाराज क्या आज्ञा है? नारद जी से वैसे भी डरते हैं सब, उनकी आज्ञा सब मानते हैं, और नारद ऋषि जी को सब आप लोग भी जानते होंगे मेरे ख्याल में अच्छी तरह से। हाँ, बोलिए साथी।
नहीं भाई ऐसी बात है, ये लड़ाई वाली बात तो है नहीं, ये धीरे धीरे बोल रहे, जोर से बोलो, बोलो साहे, बोलो सदगुरुदेव। हाँ तो नारद ऋषि जी पहुंचे स्वास्तिक के कान में, धीरे से कहने लगे कि महाराज एक कार्य करना है। कि क्या महाराज गुरुदेव, बोलो क्या आज्ञा, क्या कहा? कुछ देर दिल में सोच के कुछ बांध के आशा, और दरबार में दिखलाने लगे आज तमाशा। क्या कहा? फिर राजा स्वास्तिक के पास जाके कान में, और कहने लगे ये बात रखना तुम ध्यान में। क्या महाराज? के जाओ ऋषि मंडली का तुम तो मान बढ़ाओ, एक एक के चरणों में जाके शीश झुका। बोलिए साचे। देखिए जैसे मैं आप लोगों को उत्साह से सुनाऊं, ऐसे आप लोगों का भी कर्तव्य है कि सब उत्साह से जयकार लगाया करें। बोलिए साचे। हाँ सुना है ऋषि जी ने कहा, महाराज जाइए आप सबके चरणों में प्रणाम करिए, सबको नमस्कार करिए शीश झुका करके, किंतु एक काम करना। कि महाराज क्या? लगौर से सुनिए। पर वो जो विश्वामित्र बैठे हैं ऊंचे स्थान पर, तप तेज उनका बहुत है सारे जहान पर। वो जो विश्वामित्र बैठे हुए हैं ना, उनको क्या करना जरा सुनो। पर वो क्षत्रिय है, वो तो ब्राह्मण नहीं है, उनका तू सत्कार ना करना। और क्षत्रिय है वो तो उनको नमस्कार ना करना, क्षत्रिय है वो तो उनको नमस्कार ना करना, क्षत्रिय है वो तो उनको नमस्कार ना करना, क्षत्रिय है वो तो उनको नमस्कार। नारदी जी ने कहा कि राजन सबको एक एक करके अच्छी तरह प्रणाम करना आदर सहित, और वो जो विश्वामित्र बैठे हुए ना उनको प्रणाम बिल्कुल मत करना। बताइए ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो प्रणाम करने से दूसरों को मना करें, कि उसको प्रणाम मत करना नहीं तो बोरिया बिस्तरा बना देंगे तुम्हारा। अच्छा भाई कोई बात नहीं, बेचारे विश्वामित्र जी का क्या बिगड़ना था। तो विश्वामित्र जी के पास पहुंचे किंतु प्रणाम नहीं किया। नारद ऋषि जी से वैसे भी डर लगता था, जब नारद जी को प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ जरा सुनिए। अपने स्वभाव अनुसार ही तो अरे सोती कल है जगा दई नारद ने, सोती कल है का काम यही था बस पट्टी पढ़ाने का। माचिस ली और धीरे से आग इधर लगा दी और इधर लगा दी, कभी वहां लगा दी कभी वहां लगा दी, बस नारद जी का काम ही है। बेचारों का चारों तरफ घूमना, आकाश मार्ग से जाते हैं वैसे ताकि जल्दी पहुंच जाएं, ऐसे जाते भी नहीं वो, तो दौड़ दौड़ करके जाते हैं, आकाश मार्ग से गमन करते हैं पूर्ण करके। तो यही नारद जी ने किया कि जाकर के विश्वामित्र को राजा स्वास्तिक ने प्रणाम नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ जरा सुन लीजिए। राजा ने नारद के कहने से वो ही उल्टा काम किया, एक विश्वामित्र के बिना बाकी सब ऋषियों को प्रणाम। तो उस बात का जो भी होना था, अरे बस आखिर वही परिणाम हुआ,
क्षण में ही सारी महफिल का बस फीका रंग तमाम महफिल में सन्नाटा छा गया। नारद ऋषि ने ये क्या चक्र चलाया है इसका किसी को नहीं पता था। ये तो धीरे से कान में फूंक भरी थी, पट्टी बढ़ाई थी। ये तो उधर राजा स्वास्तिक ने कर तो दिया ऐसा कार्य, सबको प्रणाम किया और एक को प्रणाम न करे तो उनका अपमान हुआ ना। किंतु वो भगवान श्री राम के गुरु भी थे, इस बात का ज्ञान तो था सबको। ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। अब क्या होता है सुन लीजिए गौर से। देख कर दरबारी बड़े हैरान हुए, तब विश्वामित्र क्रोध से उठकर खड़े हो गए। क्रोध से उठ करके खड़े हो गए विश्वामित्र और कहने लगे क्या, बोले सुनो ए राम ये ऐलान है मेरा के दरबार में ये बहुत ही अपमान है मेरा। दरबार में ये इस भरे दरबार में, और ये ऐसा कौन गुस्ताख है इस संसार में, यों करे अपमान मेरा इस भरे दर। बोलो सांचे, न जाने कौन ऐसा गुस्ताख है जो अंदर अंदर से कैंची चला रहा है और मुझे पता नहीं इस बात का। विश्वामित्र क्रोध में उठ करके खड़े हुए और भगवान राम से कहने लगे, इसलिए जाते हैं हम ऐ राम तेरे दरबार से, आज हम जा रहे हैं इसलिए जाते हैं हम, या तो तेरे दरबार से वरना इस राजा का सर तू काट दे तलवार से, वरना इस राजा का सर आज ही तलवार से काट दे, अन्यथा हम तुम्हारे दरबार से जा रहे हैं। तो जब राम ने ये सुन लिया, ये तो ऐलान गुरु का, सोचा कि ये है वाकई अपमान। बोलो सदगुरुदेव, गुरुदेव के अपमान का फल बहुत बुरा होता है। सब मिलकर के बोलिए, बोलो सदगुरुदेव परम प्रधान। फिर सोचा है कि वाकई, सोचा एक तरफ तो गुरुदेव का अपमान है, फिर सोचा है कि गुरु का अपमान एक तरफ, और दावत में बुलाया हुआ मेहमान एक तरफ इसको भी मैंने आमंत्रित किया है और दूसरी ओर मेरे गुरुदेव का अपमान हो रहा है। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, धर्म संकट में पड़ गए भगवान राम। अब क्या हुआ, बोले ऐ गुरुदेव आज्ञा को तो सर धरता हूँ मैं, अतिथि ये मेरा बुलाया इसलिए डरता हूँ मैं। धर्म मर्यादा न बिगड़े आज इसको जाने दो, अपने घर जा कर के दो दिन और भी सुख लेने लो। जब तक ये गांठ नहीं टूट जाती तब तक चित्तवृत्तियों का समूलोन्मूलन नहीं होता। चित्तवृत्तियों का समूलोन्मूलन केवल मात्र समाधि में जाकर होता है। योग चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्ति नाम नितराम रोध है योग है। चित्तवृत्तियों का बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाना योग कहलाता है। आगे पूछा फिर उसकी समाधि लगाने वाले जीवात्मा की हालत क्या होती है, उसका उत्तर पतंजलि जी महाराज ने दिया,
सदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, सदा दृष्टु जीवात्मना स्वरूपे वस्थानम, उस जीवात्मा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो स्वरूप स्थिति हो जाती है। व्यास भाष्य में एक सवाल किया इसने, स्वरूप प्रतिष्ठा कीदृशी, स्वरूप प्रतिष्ठा तदानी, स्वरूप प्रतिष्ठा वहां पर जो स्वरूप प्रतिष्ठा होती है वो कैसी होती है, उसका जवाब है चित्त शक्ति यथा कैवल्य, जैसे चेतन शक्ति कैवल्य में होती है। कैवल्य शब्द का अर्थ है केवली भाव, केवली भाव का अर्थ है अकेलापन। अब बुद्धि और पुरुष दो हैं, और पुरुष जो जीवात्मा है वो बौद्धि ज्ञान को देखता है, इसलिए ये बुद्धि बोध आत्मा है, और यही चित्तन ग्रंथि है, यही हृदय ग्रंथि है, जिसके लिए हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि समाधि हो जाने के बाद, परावर दर्शन हो जाने के बाद, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते तास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टे यस्य कर्माणि क्षीयन्ते हृदय ग्रंथि विद्यते सर्व संशया छिद्यन्ते। उस परावर परमात्मा के देखने के बाद हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संशय बिक जाते हैं, कर्म बंधन सारे क्षय हो जाया करते हैं। वो है आत्मा का केवली भाव, शुद्ध स्थिति, सदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, उस समाधि में जीवात्मा अपने स्वरूप के अंदर रहा करता है। उसके बाद समाधि से जब नीचे आता है, उसका भी बतलाया वृत्ति सारूप्यम मित्रत्र, नीचे आने पर वृत्ति सारूप्य हो जाता है, वृत्तियों के साथ मिल जाता है, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपि, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा किया करता है। किंतु समाधि क्रिया क्रियात्मिक का जो समाधि है उसका वर्णन करते हुए भगवान पतंजलि देव ने तदेव अर्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्य में समाधि ये सूत्र लिखा है। इसका अर्थ ये है तदेव अर्थमात्र निर्भासन, तीन क्रिया करनी पड़ती हैं एक अभ्यासी को। पहली वो धारणा करता है, धारणा से वो सोचता है ये भगवान शिव बैठे हुए हैं, भगवान राम बैठे हुए हैं, या ये निर्मल पवित्र ज्योति है, या ये प्रणव है, ओंकार है, कोई ना कोई आकृति चिंतन करता है। और चिंतन करने पर तुम इस बात को सत्य मानो, जो अभ्यासी है ध्यानी है वो तो जानते, किंतु जो ध्यानाभ्यास नहीं करते वो यदि मेरी वाणी पर विश्वास करते हो तो मैं उनको सत्य बतलाता हूं, बराबर चिंतन करने पर जिसका हम ध्यान करते हैं वो हमें दिखने लग जाता है। भगवान राम का ध्यान करते हैं राम दिखते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं कृष्ण दिखते हैं, विष्णु का भगवान का ध्यान करते हैं विष्णु दिखते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो शिव दिखते हैं, और ये सब वितराग पुरुष है। पतंजलि जी महाराज ने समाधि प्राप्ति के जहां उपाय लिखे हैं वहां पर ये सीधे शब्दों के अंदर कहा है वितराग विषयम व चित्तम, वितराग पुरुषों के चित्त में चित्त, मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, अहंकार में अहंकार, अपना विलय करने पर समाधि हो जाती है। समाधि का लक्षण क्या, ये इनका बराबर दिखते रहना, इसका नाम है ध्यान। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रति एकतानता प्रत्येकतानता, वहां पर ध्यान करने के स्थान लक्ष्य स्थान में सदृश प्रवाह तेल धारा की तरह से बिल्कुल भगवान शिव का चिंतन करते हैं तो शिव के ही प्रति एकतानता हो गए, एक तार लगा रहे हैं उनके अंदर, तो समझ लेना चाहिए ध्यान होगा। और जब प्रत्येक प्रत्येकतानता होगी तो वो यूं दिखाई देंगे कि ये बैठे ऐसे दिखते हैं, बहकाने की बात नहीं, वो दिखते हैं, जिसका ध्यान करता है वो दिखते। अतः ये हो गया ध्यान। अब तीसरी श्रेणी कौन सी आई, तदेव अर्थवात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में वो समाधि, तदेव जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वही
वही अर्थ मात्र दिखता रहे और स्वरूप शून्य मिव अपना आपा भी खत्म जैसा हो जाए। मतलब खत्म क्या, खत्म हो जाएगा ध्यान करने वाला साधक खत्म हो जाएगा, ये नहीं कहा उन्होंने, कहा स्वरूप शून्य मिव अपना जो रूप है वो भी शून्य की तरह न होने के बराबर हो जाए, अर्थात अपने स्वरूप का भी आभास न रहे। क्या आभास रहे? तदाकार वृत्ति बन गए। जिस भी वीतराग पुरुष का हम ध्यान करते हैं, जिस महापुरुष का हम चिंतन करते हैं, तदाकार वृत्ति होकर के उनके रूप में हम लय हो जाए, बस वही है तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। जिसमें अर्थमात्र भाषित होता रहे, अपना स्वरूप खत्म जैसा हो जाए, उसका नाम समाधि हुआ करता है। जब इस प्रकार से समाधि एक योगी साधक की होने लग जाती है और वो बराबर ध्यान करता रहता है, सुबह ध्यान करता है, दोपहर को ध्यान करता है, शाम को ध्यान करता है, और वो बराबर अपने इष्ट देव को यूं ध्यान में देखता रहता है, देखते रहते हैं, तो परिणाम ये निकलता है कि आंखें खोलने पर वो बराबर दिखा करते हैं। और फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनके अतिरिक्त बाकी सब दिखना बंद हो जाता है, वही वही दिखा करते हैं हर जगह, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, सारा संसार ही खत्म हो जाता है। ये स्थिति उस साधक की आ जाती है जो योगी ध्यानी है। उत्तम के अश्वस्मन माही सपने हु आन पुरुष जग नाही, सोचने मात्र का विषय नहीं रह जाता ये। हम अपने मन से सोचते रहे एक संसार में कोई आदमी है ही नहीं, और ये संसार चलता फिरता सारा दिखता है, कैसी ये भावना हो जाएगी। केवल मात्र जो समाधिस्थ हो जाते हैं उनकी ये भावना हो जाती है, वो ये देखते हैं मेरा जो इष्ट है वही है सब कुछ, वही है सब जगह, उसके अतिरिक्त उसको कुछ भी नहीं दिखता, कोई फल नहीं दिखता, फूल नहीं दिखता, पत्ता नहीं दिखता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस वही वही दिखता है हर जगह। और स्थिति उसकी फिर क्या आ जाती है, वो उनको सर्वत्र देखता है और उनकी दृष्टि में वो सर्वत्र हो जाते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंतमयी पश्यति, अभी तुम्हारे सामने कहा था श्लोक गीता का महा योगेंद्रधीश्वरी जी ने, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंतमयी पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सदमेन प्रणश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और सबको मेरे अंदर देखता है उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता, वो मेरे लिए कभी नष्ट नहीं। इसी प्रकार से पति के स्वरूप को जो सर्वत्र स्त्रियां देखती वो आदमी नहीं दिखता, फिर वो परमात्मा दिखता है। और फिर उनकी बात इस प्रकार की हो जाया करती है, उत्तम के स्पष मन माही सपने आन पुरुष जगना ही। खैर ये तो उस शब्द का अर्थ हुआ। तप का कितना सुंदर वर्णन किया, पार्वती जी ने कितना कठोर तप किया और तप के द्वारा भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब ये है मनुष्य के लिए कुछ भी अलभ वस्तु नहीं, वो जो कुछ करना चाहता है, जिसको प्राप्त करना चाहता है प्राप्त कर ही सकता है, प्राप्त करने का मादा उसके पास है, तप उसके पास है, ब्रह्मचर्य उसके पास है, योग ध्यान उसके पास है, वो उसके द्वारा सब कुछ पा सकता है। पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त किया। जो लोग इस प्रकार के तप को आधारित बना रहे थे, मैं यही बात तो उस दिन भी कह रहा था, पतिव्रताओं की जहां बातें चलती हैं उनमें से असल तो सबसे बड़ी बात यह है, सती के पति को आंच नहीं आती। यह भी एक मूल सिद्धांत की बात है, कोई स्त्री सती है, पतिव्रता है, पति का चिंतन करती है, उनकी आज्ञा के अनुसार चलती है और उनका मन मिला रहता है, बिल्कुल उनकी सेवा करती है, उनके अतिरिक्त उसको और कुछ दिखता नहीं है, हर वक्त चिंतन और ध्यान में रहती है, तो सती के पति को आंच नहीं आती कहीं भी।
आ भी जाए किसी कोई कर्म आ जाए ऐसा, तो वो सावित्री की तरह से यमराज को से छीन कर ले आती है। इतनी ताकत उसके योग ध्यान से उसके अंदर बढ़ जाती है। और कदाचित भाई कली काल ऐसा न हो, किसी का हो जाए इस तरह, तो ये जो मरने वाली बातें लोग की औरतें करती हैं, ये बताती हैं भाई फरानी उसको इसके अंदर जल गई, चिता में कूद पड़ी, ये कुछ भी नहीं। इससे तो अच्छा ये हजार दर्जे अच्छा है कि वो फिर उसके बाद तप करे, भजन करे, ध्यान करे, अपने आप को अपने आत्मा को निर्मल रखे, शुद्ध रहे, एकांत तपस्या के अंदर अपना जीवन व्यतीत करे, वो लाख दर्जे अच्छा है। और यूं ही उद्वेग में आकर कुछ बड़ी दुख तो होगा, फिर जलने जलने में दुख होगा और दुख में तड़फड़ाएगी तो वो एकाग्रता तो उसकी टूट जाएगी। पति के अंदर जो मन को लगा करके अपने आप को दहन कर देना चाहती है, हम ये बात खोल कर इसलिए कहते हैं तुम्हारे सामने कि भाई ऐसी साहस की बात है। एक बार स्त्री जाति के अंदर पुरुषों की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा साहस होता है, और साहस में आकर के कोई ऐसी बात नहीं, चिता जल रही है, आंख बीच करके कूद गई उसमें या उसमें बैठ गई। कुछ लोग और ऊपर से होते हैं, वो एक बार साहस करके बिचारी बैठ गई और वो गीत गाने वाले लोग जो आसपास खड़े रहते, अभी एक सती हुई है मथुरा के पास में, हरदेही नाम है उनका, बेचारी की उसकी मैं निंदा नहीं करता, वो अपनी पति की चिता में बैठ पाई, पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया था, बाद में जब वो छूटी फिर दोबारा चिता की विभूति में जाकर के बैठ करके कपूर के पास शरीर में लगाया या क्या किया, परमात्मा जानो निंदा स्तुति कोई करनी नहीं चाहिए, किंतु फिर उसका शरीर जल उठा सारा का सारा। लोगों ने कुछ विवेचनाएं भी की, तड़फर हुई, यूं हाथ पैर फेंके, ये हुआ वो हुआ, कुछ बातें आई इस प्रकार की, और फिर उसके बाद वो करने लगी। उसके बाद जो आसपास उसके और लोग बैठे थे उन्होंने धड़ाधड़ घी फेंकना शुरू कर दिया, लकड़ी फेंकनी फूक दी, बिजारी हो गया सब कुछ। मैं किसी सती की निंदा नहीं करता, हर देवी परमात्मा को रूप थी, ईश्वर की भक्ति पतिव्रता थी, हम उसकी बड़ाई करते हैं, किंतु एक नियम की बात ये बताता हूं, जिनको इस प्रकार से तड़फन पैदा होती है, आग लगने पर तड़फड़ाहट और जलन और दुख पैदा होता है, तो तुम अपने मनों के अंदर सोचो कि उनकी एकाग्रता तो टूट जाती है। मन जो एकाग्र था पति के अंदर, वो तो आग के दुख ने हटा दिया, एकाग्रता तो रही नहीं, एकाग्रता तो दूर हो गई और मन दुख के अंदर आ गया, तो ये नहीं गति का साधन। या तो ये होना चाहिए कि जिंदगी में इतनी साधना बन जाए, इतनी साधना बन जाए कि पति के प्राण और उसके प्राण बस एक ही चले, उसको दुख हो जाए तो उसको भी हो जाए, उसको कुछ हो तो उसको भी। मैंने उदाहरण दिया था तुम्हें इस प्रकार का, और नहीं तो ये पार्वती वाला तप कितना बड़ा तप किया जगदम्बा ने, पर पत्ते खा करके वो रही, अपर्णा नाम उसका पड़ गया, जल पी करके वो रही, वायु भक्षण करके वो रही, किंतु अपने प्राणपति को, संसार के मालिक को, ईश्वर को, भगवान शंकर को प्राप्त किया और अलर्मण हो गई। इसलिए प्रत्येक साधक को अपनी आत्मशक्ति बढ़ानी चाहिए। यदि कोई स्त्री इस प्रकार से रहती है अचानक, असल तो ये बात होती नहीं, पतिव्रता के पति को तो आंच आएगी नहीं बिल्कुल, न उसको यम ले सकता, न वो मर सकता, वो तो अजर अमर वाली बात हो जाती उसकी। और कदाचित भाई कोई कृष्ण कर्म हो जाए ऐसा, तो वो उसका ध्यान करती करती, उसका चिंतन करती करती, अपने अंदर योग ध्यान पैदा करके शक्ति स्वरूपा होकर के अपने आप को तप और योग से परिपूर्ण करे, ताकि जिस प्रकार पार्वती ने तप किया है, योग ध्यान से परिपूर्ण होकर के तेजोमय होकर के फिर ढूंढ ले वो आत्मा कहाँ है, और यूं ही अपने आप को गिहीन फेंक दिया, चिता के अंदर जला दिया, ये कोई सिद्धांत की बात नहीं। चिता की आग जो है उसकी मन की एकाग्रता को हटा देती, तोड़ा देती है। केवल मात्र मैंने कल उदाहरण दिया था योगीराज श्री गुरुखराज जी महाराज का, हमारे बड़े गुरु भाई थे,
वो स्वादी में बैठे रहे, उनके सिर पर आग रखी रही किंतु उनको बोध नहीं हुआ, सिर उनका जलता रहा। भाग्यवान कोई इस प्रकार की हो जाए कि अग्नि दाह का उसको बोध ही नहीं हो रहा है, तो भाई वो बंद है, उनको नमस्कार करते हैं, उसकी बात कुछ नहीं कहते। किंतु ये है लक्षण, पति बताओ की बात रोज चलती है, रोज ही मुझे कुछ ना कुछ कहना भी पड़ता है, इसलिए तुम योगिनी बनाओ, ध्यान लगाओ और परमात्मा कहे तुम लोगों के अंदर इस प्रकार की शक्ति हो जाए कि तुम्हारे पति क्यों मरे भलाए, अपने पतियों को कर लो असर, पर जिंदा रखो सदा के लिए, तुम भी जिंदा रहो वो भी जिंदे रहे, सब ऐसा ऐसा मामला आए क्यों सामने। तो इसलिए ये भी एक नियम की बात है, पति प्रता पति सती के पति को आंस नहीं जाती। तो इसलिए यदि पार्वती की तरह सतीत्व है, यदि और उसमें सबसे मोटी बात जो है वो योग ध्यान की है, यदि तुम्हारी ध्यान शक्ति बढ़ जाएगी, समाधि लगने लग जाएगी, तो सब कुछ ठीक ही ठीक है, फिर किसी के पति को कुछ नहीं होता, निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। तो इसलिए योग ध्यान बनाओ, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ और भाई सतियों की वंदना करो। हर देवी अभी सती हुई है, बिचारी बड़ी अच्छी थी, भजन किया करती थी, ध्यान लगाया करती थी, पर विवेचना करें वो बात उसकी लिखी है, उसको वो इस समय कोई दुख पैदा होने लगा, मां नारियल ही नारियल उसके ऊपर फेंक दे, वो चिल्लाती रहे रोती रही, फिर तो सती करने वाले भी फिर लग जाते, जैसे राजपूत लोग सती किया करते थे पहले, कोई किसी का पति गुजर गया जवान लड़का और युवती लड़की को बांध दिया उसकी साथ पंडित के साथ, ऊपर से तारों से कस दिया, फिर आग लगा दी और बस ऊपर से घी छिड़कते रहे, कुछ भी छिड़कते रहे, बेचारी तड़पती रह जाती रहे। तो इसलिए तुम्हारे मन एकाग्र होने चाहिए, जिस मन के अंदर उद्वेग पैदा न हो, ये उत्कृष्ट बात नहीं है। उत्कृष्ट बात ये है तुम योग ध्यान प्राण बन जाओ, परमात्मा तुम्हारे अंदर सतीत्व की शक्ति दे, तो फिर वो सती के प्रति भाष आएगी नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, बिगड़ ही नहीं सकता। इसलिए इन बातों को समझ करके ये प्रकरण चला था, इसलिए दो चार बातें मैंने कह दी। अपने आप को योग मार्ग के अंदर बढ़ाओ, योग ध्यान लगाओ, जिससे तुम्हारे आत्मशक्ति बढ़े और अपने पतियों का खूब पूजन, खूब उनकी सेवा करो, इसी प्रकार से उंगराज भी हो जाए तुम हाथ जोड़ दो आगे से, उनके एक वचन के विरुद्ध भी मत चलो, जो कुछ कहें उस तरह चलो। कदाचित तुम्हारे मन में ये भी आ भी जाए कि भाई ये पति देव जी महाराज तो उल्टे चलते हैं। हाँ होते हैं, उल्टे भी होते हैं बहुत से, बहुतों के पति शराबी होते हैं, कबाबी होते हैं, स्त्रियों को सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, क्रोधी होते हैं। तुम्हारा अपनी आत्मशक्ति से, अपने प्यार से उनके मन को बदलो, उनको वैसा मत रहने दो। यदि तुम्हारे पति उल्टे हैं, खराब हैं, कुछ उनके अंदर कोई ऐब है, तो उसको अपने मन की ताकत से प्यार से समझा करके उनको, ये है तुम्हारा पाती व्रत, यूं करती चली जाओ, तब बस पति ईश्वर ईश्वर संसार में दिखाई देगी, क्यों ठीक है ना। हाँ इसलिए देखो, अब मैं ज्यादा व्याख्यान इस समय नहीं देता, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस सत्संग को समाप्त करता हूँ। मैंने सतियों की निंदा नहीं की है, सती तो भाई यति और सती के आधार पर सारा संसार ठहरता है, सती लोग जो हैं वो वंदनीय होती हैं, उनकी शक्ति बहुत बड़ी होती है, क्योंकि मैंने मेरे मन में एक सिद्धांत की बात बैठी हुई है कि भाई जलने वाली बात में दुख हुआ करता है, जिसको दुख हुआ तो मन की एकाग्रता भंग जरूर हो जाएगी। इसलिए तुम अपनी जिंदगी में अपने पतियों के अंदर अपने प्राणों को पहले ही मिला तुम इकट्ठे कर लो, तो ऐसा चिंता पड़ेगी नहीं, सब बात ठीक हो जाएगी।